Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Well, friends, आज के episode में हम बात करने वाले हैं power star Pawan Kalyan. ये मेरा जहां, ये सारा India, ये मेरा जहां, तेरा काम क्या है यहां? Well, friends, Pawan Kalyan की film Vakeel Saab के day one के box office collection के बारे में. Literally speaking, आज मैं थोड़े up शब्द का प्रयोग use करूँगा. Please. कान बंद कर लीजिए अगर बच्चे लोग देख रहे होंगे तो. आज सच्ची में ना मेरी जल रही है, सच्ची में. पता इससे पहले कभी भी कोई फिल्म को लेके इतनी जली नहीं है मेरी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं ये फिल्म थिएटर में नहीं देख सकता जाकर, जबकि पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा तेलंगाना, पूरा तमिलनाडु, पूरा कर्नाटका, दिल्ली और अन्य जगहों पर पब्लिक जाकर इसको थिएटर्स में देख रही है. एंड बीइंग अ मैड फिल्म लवर दैट आई एम, ऐसे विजुअल्स देख रहा हूँ जहाँ पे थिएटर में फटाके फोड़े जा रहे हैं, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लड़ियाँ लगी जा रही है, वहाँ पर सीटी तालियाँ कटआउट लग रहा है, दूध अभिषेक हो रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट और पवन कल्याण के बीच में झगड़ा हो रहा है. मैं तुम लोगों को बताऊँ, एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया हूँ आप लोग के लिए, इन्जॉय कीजिए. वहाँ पर मैं बम्बई में अपने घर पर बैठा हूँ, रुपया है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, लॉकडाउन लगा है, थिएटर बंद कर दिए भाई. ऑल सेड एंड डन, बहुत जल रही है कि मैं फिल्म थिएटर में नहीं देख पाऊँ. लेकिन कल सोशल मीडिया पे मेरे जितने भी दोस्त है वहाँ पर सिकंदराबाद में, इन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, मैन क्या फिल्म बनाई है इन लोगों ने. लिटरली एक सीन मुझे व्हाट्सएप आया, कोर्ट रूम का सीन है, पवन कल्याण लात मारता है साला कुर्सी को, पाट धुआं उड़ रहा है, प्रकाश राज को कुटो कुटो मारने के लिए बोल रहा है जाकर, क्या सीन. एक मेट्रो सीन भी है, मेट्रो स्टेशन में है, वो मेट्रो ट्रेन में क्या फाइटिंग, वो बेसबॉल बैट टूटता, क्या जट 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 मारता है भाई. बहुत अच्छी फिल्म बनाई. बोनी कपूर के हाथ में खफोर सोने का सिक्का होता है ना, पैसा दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन बेटे को स्टार नहीं बना पाया, लेकिन ये पिक्चर चल रही है. बहुत लोग बोलते हैं ना पिंकरी में कायकू बनाया, पिंकरी में कायकू बनाया, नो मींस नो. इसमें एक स्टार को ले लो, मारा मारी डालो, क्या पिक्चर बनाई है वकील साहब इन लोगों ने, फाड़ दिया भाई. पवन कल्याण का ऑल टाइम ओपनर. देखिए आज मैं ना बैठ के तुम लोगों को ज्ञान नहीं दूंगा कि बॉलीवुड वाले सीखो, बॉलीवुड वाले शर्म करो, वो बोलने का वक्त चला गया. जहां पर साउथ वाले फिल्में रिलीज कर रहे थे जब बीच में कोरोना कम हुआ था, वहां पर अपने वाले ये साले क्या रिलीज कर रहे थे, रिलीज डेट. शेख चिल्ली बने थे, शेख चिल्ली के सपने देख रहे थे, थिएटर वाले से झगड़ रहे थे, वहां प्रॉफिट शेयर पे झगड़ रहे थे, यू नो इतने प्रोड्यूसर शेयर पे, उसके बाद तुम्हारा इतने बार ओटीटी पे झगड़ते रह गए, मंजन करते रह गए, तालियां बजाते बजाते उस स्टेशन अपना सिग्नल में बिकता ना गुड्डा, वैसे रह गए. साउथ वाले रिलीज कर करके निकल गए अपनी पिक्चर. लेकिन अब मैं ना बॉलीवुड वालों को बोल सकता हूँ कुछ ना कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि यह सिचुएशन बहुत खराब है महाराष्ट्र में. तो पिक्चर अभी 4-5 महीना रिलीज करना तुम लोग भूल जाना, KGF तक भी रिलीज हो गई पिक्चर तो बहुत बड़ी बात होगी. तो इसलिए अभी चुपचाप बैठ जाओ, या अपने बॉलीवुड वाले कुछ नहीं बोले, मुझको नहीं रो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. लेकिन आज का एपिसोड शुरू करते मैं आपको खाली कलेक्शन बताऊंगा, ज्यादा पटेली नहीं झाड़ूंगा, खाली कलेक्शन बता के निकल जाऊंगा. लेकिन गाइस क्या होती सबसे बड़ी बात, तेलुगू तमिल पिक्चर के जो कलेक्शन रहते हैं ना, प्रोड्यूसर बोलेगा 129, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा 147 रहा, ये बोले 169 रहा, उनके कोई कलेक्शन फिक्स नहीं रहते, इसलिए बहुत ढूंढाने कलेक्शन निकालने पड़ते हैं. इसलिए मैं साउथ के कलेक्शन जो है वो बहुत रेयर बताता हूँ, तो मैं आपको आराम से कलेक्शन बताऊंगा. सबसे पहले क्या हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर विद द नेट कलेक्शन. नेट कलेक्शन ऑफ वकील साहब इन इंडिया इज 41.35 करोड़. यस मेरा भाई, 41.35 करोड़ एक तेलुगु पिक्चर कमा के जा रही है आफ्टर लॉकडाउन. मास्टर के लेवल का कलेक्शन, ऊपर नीचे थोड़ा. लेकिन सबसे बड़ी बात तुमको बोलूं, इसका क्या पंगा हुआ है गवर्नमेंट में, यहां पर क्या किया जाकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में जो थिएटर है वहां पर इकोनॉमी क्लास 75, डीलक्स 150, प्रीमियम 250 के ऊपर की टिकट तुम लोग मल्टीप्लेक्स में नहीं रख सकते हो. यूजुअली ऐसी पिक्चर रिलीज होती है तो 300-350 की टिकट कैप रहती है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने, यहाँ पर पवन कल्याण और वाई जगन का कुछ पंगा हो गया बीच में, तो यहाँ पर पॉलिटिकल सब चलता रहता है इन लोग का,
तो अब यहाँ पर इन लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी एरिया, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में सबसे महंगी टिकट डीलक्स एसी में 15 रुपए रखा है। ना इंसाफी हुई फिल्म के साथ, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया गया एंड जो टिकट की ओरिजिनल कॉस्टिंग है उसको वापस से मेंटेन किया एंड इस फिल्म को लोगों ने रिलीज किया। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था, बेनिफिट शो जो सुबह फैन शो रहते हैं, मैंने आपको अपने चैनल पे बहुत बेनिफिट शो दिखाया हूँ, लोगों को लगता है अपन अभी अभी आए ले बच्चे है ना, बेटा तुम लोग जब पिक्चर में शुरू भी नहीं किया ना तब से हम पिक्चर देखते हैं बैठ कर, वो बेनिफिट शो में मार खा के 1000-1000 रुपए की टिकट लेकर देखा हूँ मैं बैंगलोर में पिक्चर। बेनिफिट शो पवन कल्याण की पिक्चर का नहीं था यहाँ पर। नंबर टू सबसे बड़ा रिलीज ये था कि एक नॉर्मल रिलीज नहीं थी, स्कैटर्ड रिलीज थी, बहुत जगहों पर टिकट ज्यादा था, बहुत जगहों पर टिकट कम था, कई कई जगहों पर 50% ऑक्यूपेंसी थी बाहर, और कई कई जगहों पर 50% ऑक्यूपेंसी नहीं थी, थिएटर्स बंद थे नॉर्थ में। तो ये गाइस सबसे बड़ा यहाँ पर पॉलिटिकल मूव था पवन कल्याण को नॉर्मल रिलीज नहीं देने का, वो लोग बोल रहे हैं उसे पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, ये पवन कल्याण इज अ पॉलिटिकल फिगर, अगर ऐसा होता मेरा भाई तो ये सब पिक्चर सायरा को, साहू को, सब पिक्चर को पीछे छोड़ के नॉन बाहुबली का रिकॉर्ड बनाती थी, बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड है वो ये बनाती। सो गाइस फर्स्ट डे नेट कलेक्शन ऑफ वकील साहब 41.35 करोड़, इसका ग्रॉस इंडिया में है 48 करोड़ एंड ओवरसीज इसने 5 करोड़ की कमाई किया। पहले दिन वकील साहब कंसिडर इज एन ऑफिशियल फिगर 53 करोड़ कमाई है गाइस, एंड इसका जो शेयर है हाईएस्ट शेयर है बाहुबली 2 का फर्स्ट डे का 43 करोड़ शेयर बोलते हैं, शेयर चलता है साउथ में, ठीक है। नंबर टू पे सायरा नरसिम्हा रेड्डी है 38.75, नंबर थ्री पर है साहो 36.25 करोड़, नंबर फोर पे सरेलेरू निकेवरू 32.77 एंड यहाँ पर वकील साहब है 32.24 करोड़। यानी कि इन सच सिचुएशंस विथ नो हाई टिकट प्राइजेस, विथ नो बेनिफिट शो, विथ ऑलमोस्ट 50% ऑक्यूपेंसी इन सम प्लेसेस एंड 100% इन सम, इसने ऑल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए गाइस। दिस इज ह्यूमंगस, ह्यूमंगस। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में 32.24 करोड़ कलेक्शन कमाया है विच इज ह्यूज। बात करें निजाम 8.75 करोड़, सीडेड 4 करोड़, यूए 3.85 करोड़, ईस्ट 3.1 करोड़, वेस्ट 4.5, गुंटूर 3.94, कृष्णा जिला 1.9 करोड़, नेल्लूर लो 1.7 करोड़, विच इज ह्यूमंगस। ये मैं सब अपने ऑडियंसिस के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जितने भी लोग हैं वो ये चेक कर लीजिए। सीडेड में 4 to 4.5 करोड़ है, ये प्रॉपर कलेक्शन एपिसोड है इसलिए आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ह्यूमंगस मैन, स्टार पावर किसको बोलते है, देखो जाके साउथ में वे फालतू बैठ के ट्विटर पे झगड़ते रहते हो तुम लोग, इसके स्टार वो, मेरा स्टार ये, तेरे स्टार की यो ट्रेंडिंग, वो ट्रेंडिंग, थिएटर जाओ बे, थिएटर जाके अपने स्टार की पिक्चर हिट कराओ, कलेक्शन लेकर आओ। समझ में आया ना, यहाँ के ये लोग साउथ वाले यही करते हैं, थिएटर जाके पिक्चर हिट कराते, तुम लोग सिर्फ स्टार के बर्थडे के बाद घर के बाहर खड़ा रहते, जाकर ट्विटर पर बैठ के झगड़ा करते, बैठकर एक दूसरे की नेशनैलिटी पे झगड़ा, तू इंडियन, तू ये, तू ने वो, तू फलाने ने ढिमके, यही चक्कर में बॉलीवुड बस रीमेक, सर कौन सा पिक्चर है रे, रीमेक कर, रीमेक कर, रीमेक करो, यही करो बैठ कर, बस बाद में कोई तुम लोग को बोलो तो बहुत मिर्ची लगती है तुम लोग को, अभी अंसारी बैठ के ज्ञान दे रहा था बैठ के, साला क्या समझता अपने आप को, जलता है यार देखकर। अपने बड़े बड़े स्टार लोग 40 करोड़, कितने अच्छे हीरो लोग अपने इंडस्ट्री में जो फर्स्ट डे 41.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन दिए रे, गिन चुन के उंगलियां जितनी हाथ में उतने लोग ने दिए। ए देखो वकील साहब, उसकी पिक्चर भी नहीं है, औरत लोग की पिक्चर है वो, उसमें पवन कल्याण मतलब अमिताभ बच्चन टाइप रोल है, 2-3 फाइट सीक्वेंस, जस्ट किक द बॉल फॉर अ सिक्स मैन, 41.35 करोड़। शर्म करो आंटी लिखती है ना यूट्यूब वाली, शर्म करो बॉलीवुड, सही लिखती है, ओके। एपिसोड पसंद है पिछले को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नसीब वाले हो अगर तुम्हारे वकील साहब लगे तो जाके देख लो, मेरे नसीब में नहीं है, नहीं देख पा रहा हूँ। स्टे कूल मान।